हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल आई होप यूर ऑल डिंग वेल सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जेके एस फोर्थ क्लास के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है इससे पहले भी काफी सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं आप हमारी चैनल की प्ले में जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन पर भी जो वीडियो है वो मैंने अपलोड की है उसमें भी आपको इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने करवाए हैं तो आप वो वीडियो भी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें एंड टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पी फाइल्स तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जी करंट अफेयर्स रेगुलर से सर्च करें टेलीग्राम में जाके आपको मिल जाएगा एंड वहाँ पे आपको हमारी वीडियो सारी वीडियोस की जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो मिल जाएंगी सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ वन वॉज द यूटी ऑफ़ जम्मू एंड कश्मीर फॉर्म ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जम्मू कश्मीर जो यूटी है वो कब फॉर्म हुई थी ठीक है सो फिफ्थ ऑफ अगस्त टू थाउजेंड ऑफ अगस्त टू थाउजेंड ऑफ अगस्त टू और थर्टी ऑफ अगस्त टू सो एज़ यू ऑल नो जो थर्टी फर्स्ट ऑफ अगस्त टू थाउजेंड नाइन्टीन है उसके बाद क्या होता है हमारी जो स्टेट थी जम्मू कश्मीर की वो यू टी बन गई थी ठीक है तो यू ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ अगस्त टू थाउजेंड नाइनटीन द यू टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज फॉर्म ठीक है जो हमारे लास्ट गवर्नर थे स्टेट के वो थे हमारे अन एन वोरा सॉरी सत्यपाल मलिक जी ठीक है एंड जो हमारे फर्स्ट एलजी थे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे जीसी सी मुर्मू एंड एट प्रेजेंट हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा जी ठीक है ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स थे जो आपको पता होने चाहिए सो थर्टी फर्स्ट ऑफ अगस्त टू थाउजेंड नाइनटीन को हमारे जो स्टेट है जम्मू कश्मीर वो यूटी बन गई थी ठीक है तो थर्टी फर्स्ट ऑफ अगस्त टू थाउजेंड ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यू सो एंड uh, आपको क्वेश्चन में याद रखना है कि आपको स्टेट का पूछा है कि यूटी का पूछा है तो इधर आपको पूछा टोटल तो एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी सो so, ऑप्शन ए आपका ट्रिपल टू टू डबल टू डबल टू थ्री सिक्स स्क्वायर किलोमीटर टू डबल फाइव फोर थ्री फाइव स्क्वायर किलोमीटर वन सिक्स थ्री जीरो नाइन जीरो स्क्वायर किलोमीटर या वन सेवन फाइव नाइन वन जीरो स्क्वायर किलोमीटर ठीक है तो आपको बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी का टोटल एरिया कितना है सो so, जैसा कि आपको पता था कि एरिया वाइज जो हमारी लद्दाख डिवीजन थी वो सबसे बड़ी थी सो so, क्योंकि वो अब हमसे अलग हो गई है तो अब हमारे जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो है वन सिक्स थ्री जीरो नाइन जीरो स्क्वायर किलोमीटर यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है ठीक है इससे पहले क्या थी हमारी डबल टू डबल टू थ्री सिक्स स्क्वायर किलोमीटर थी जब लद्दाख भी हमारे साथ था ठीक है सो so, इसमें ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा वन सिक्स थ्री जीरो नाइन जीरो स्क्वायर किलोमीटर इज द टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी ओके मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर यू टी सराउंडेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ ठीक है अब जम्मू एंड कश्मीर जो यू टी है वो आ, उसकी जो आपसे बाउंड्रीज पूछी गई किसकी कि, किस किस के साथ अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है वो ऑप्शन ए है आपका साथ आपका पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश बी है लद्दाख सी है पंजाब एंड लद्दाख एंड डी है बोथ ए एंड बी ठीक है सो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात करें तो उस टाइम जो हम अपनी नेशनल बाउंड्रीज थे वो हमसे पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर करते थे ठीक है बट क्योंकि अब लद्दाख अलग हो गया हमसे एक अलग यूटी बन चुकी है तो अब हम पंजाब हिमाचल प्रदेश के साथ तो करते ही करते हैं साथ साथ लद्दाख के साथ भी हमारे नेशनल बाउंड्री अपनी शेयर करते हैं तो इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी ठीक है पंजाब हिमाचल प्रदेश के साथ भी करते हैं लद्दाख के साथ भी हम जो जम्मू कश्मीर है अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है सो ऑप्शन डी में आपका करेक्ट आंसर रहेगा पंजाब हिमाचल प्रदेश लद्दाख बोथ एंड बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर यूटी टी शेयर इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद ठीक है अब वो तो थी नेशनल बाउंड्रीज जो हम विद इन अपनी इंडिया में जो शेयर करते हैं अब आपसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज पूछिए कि जम्मू कश्मीर यूटी अपनी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ है वो किस किस के साथ शेयर करता है ऑप्शन ए है आपका पाकिस्तान एंड चाइना बी है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान सी है पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान एंड डी है पाकिस्तान चाइना एंड नेपाल ठीक है सो आपको बताना है कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज किस किस के साथ शेयर करता है सो अगर आपको पता होगा तो जम्मू कश्मीर जब स्टेट थी ठीक है एज अ स्टेट वो अपनी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज पाकिस्तान चाइना एंड अफगानिस्तान के साथ शेयर करती थी बट अब क्या हो गया जो चाइना के साथ हम लद्दाख का जो रीजन था वहाँ से हम चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते थे तो अब लद्दाख अलग हो गया वो एक अलग यूटी बन गई तो अब चाइना हमारे साथ जो अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री जम्मू कश्मीर के साथ शेयर नहीं करता है सो so, इसमें करेक्ट आंसर हमारा रहेगा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ठीक है जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है वो अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करती है चाइना के साथ करती है बट वो लद्दाख से करती है तो क्योंकि लद्दाख अब हमारा पार्ट नहीं है वो एक अलग यूटी, है तो इसलिए पाकिस्तान एंड अफग़ानिस्तान ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन जो नेशनल कैलेंडर है इंडिया का वो किस पे बेस्ड है विक्रमिंदवन पे ग्रेगोरियन कैलेंडर पे साका एरा पे ये नन ऑफ द अबब अब पे ठीक है तो जो नेशनल कैलेंडर हम ऑल इंडिया यूज़ करते हैं वो किस पे बेस्ड है वो आपको बताना है सो ऑप्शन सी साका एरा आपका इसमें राइट आंसर रहेगा जो हमारा नेशनल कैलेंडर है इंडिया का जो ऑल इंडिया यूज़ हुआ होता है नेशनल कैलेंडर वो साका एरा पे बेस्ड है ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द माइटीएस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यू टी इज जो जम्मू uh, कश्मीर की माइटियस्ट रिवर माइटियस्ट रिवर आप लॉन्गेस्ट बोल सकते हैं ठीक है लॉन्गेस्ट रिवर जो जम्मू कश्मीर की तो वो कौन सी है राबी है सतलुज है चिनाब है या इंदस है ठीक है तो माइटीएस्ट रिवर आपसे पूछिए तो चिनाब इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा चिनाब इज द माइटिएस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी ठीक है ऑप्शन सी uh, उसके अलावा बात करें तो रवि सतलुज इंदस ये सारी रिवर्स मतलब इंपॉर्टेंट है माइड आ, तो ऑप्शन सी लेकिन इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि आपको माइटेस्ट रिवर तो ऑप्शन सी चुनाव इज द माइटेस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लोकसभा टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिटुएंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूटी आर ठीक है लोकसभा में जो आपकी जम्मू कश्मीर की जो सीट्स रहती हैं वो कितनी रहती हैं सो so, लोकसभा की बा सिक्स फाइव टेन और नन ऑफ दबव तो लोकसभा की बात करें तो फाइव सीट्स हमारी लोकसभा में रहती है ठीक है जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिटुएंसी से लोकसभा में हमारी फ़ाइव सीट्स रहती है तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर आता है नेक्स्ट है इन राज्यसभा द टोटल तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्युंसी फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूटी अगेन की वो थी लोकसभा की आपको राज्यसभा की सीट्स पूछे तो राज्यसभा की कितनी सीट्स है टेन है फिफ्टीन या है या फोर है या नन ऑफ दीज है ठीक है सो राज्यसभा में हमारी फोर सीट्स हैं ठीक है ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है ठीक है राज्यसभा में फोर हैं और लोकसभा में फाइव सीट्स हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी ठीक है तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है वो आपको बताना है सो so, uh, ऑप्शन ए है फिफ्टी एट पॉइंट सेवन फोर बी है सिक्सटी एट पॉइंट सेवन फोर सी ऑप्शन है सेवेंटी एट पॉइंट सेवन फोर एंड डी ऑप्शन है सेवेंटी पॉइंट सेवन फोर सो आपको बताना है कि लिटरेसी रेट जम्मू एंड कश्मीर यूटी का कितना है तो वो है आपका सिक्सटी एट पॉइंट सेवन फोर परसेंट ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर है ठीक है सिक्सटी एट पॉइंट सेवन फोर इज द लिटरेसी रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर सेंसिस टू थाउजेंड इलेवन उस डिस्ट्रिक्टज द हाइस्ट पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ठीक है टू थाउजेंड इलेवन के सेंसिस के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है मतलब जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जम्मू श्रीनगर अनंतनाग अनंतनाग और नन ऑफ ननअतीज ठीक है तो आपको बताना है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है तो जम्मू इज द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ठीक है ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है जम्मू अकॉर्डिंग टू द सेंसस टू जम्मू हैज द हाइस्ट पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ठीक है ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है एज पर सेंसस टू थाउजेंड इलेवन उस डिस्ट्रिक्टज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ जम्मू कश्मीर ठीक है अगेन टू थाउजेंड इलेवन के अकॉर्डिंग कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो जिसमें पॉपुलेशन सबसे कम है ठीक है लोएस्ट पॉपुलेशन पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कुपवाड़ा है किश्तवाड़ है रामबन है या शुपैया है ठीक है सो so, इसमें हमारे सबसे कम पॉपुलेशन जो है हमारी किश्तवाड़ में है बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर है ठीक है ऑप्शन बी किश्तवाड़ इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 थाउजेंड अलेवन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्टज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूटी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच हैज़ द हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आप आपसे पूछा पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है ओवरऑल बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो फिफ्टी स्क्वायर किलोमीटर है ठीक है सो so, आपसे पूछा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हाई मतलब

नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच हैज लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हमने हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर ली वो आपकी इधर गांधरबल में है अब आपसे पूछा कि लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है सो so, श्रीनगर में है रियासी में है डोडा में है या नफ्तीज में है सो so, uh, इसमें आपका डोडा आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है डोडा हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ठीक है डोडा इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द हाइस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन ठीक है सबसे जो चाइल्ड पॉपुलेशन है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू एंड कश्मीर की कुपवाड़ा अनंतनाग बारामूला या शुपिया ठीक है सो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा अनंतनाग इज द राइट आंसर अनंतनाग हैज़ द हाएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर ठीक है ऑप्शन बी अनंतनाग इज़ द राइट आंसर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द हाइस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ लोएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन सबसे कम चाइल्ड पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सो so, वो है हमारी सांबा में ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज लोएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है ऑफ़ नेशनल जो आपका नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम उसके ऑर्थर कौन है किसने लिखा है उनको ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर सेकेंड है बी सी चैटर्जी बंकिम चंद्र चटर्जी नेक्स्ट है मौलाना आज़ाद एंड डी ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल ठीक है तो आपको बताने कि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के ऑर्थर कौन है सो वो है हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ऑप्शन बीस में आपका करेक्ट आंसर रहेगा और रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो उन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा हुआ है जनगणनमन ऑप्शन ए ठीक है तो इसमें वंदे मातरम का अगर पूछें तो बंकिम चटर्जी चैटर्जी इज द राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ नेशनल एंथम जनगणमन सो ये तो आपको पता होगा हमने अभी बात की नेशनल एंथम जनगणमन के ऑर्थर कौन है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर इज द ऑथर ऑफ नेशनल एंथम जनगण मन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है मन द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया फर्स्ट पब्लिश अंडर द टाइटल ऑफ जो हमारा नेशनल एंथम है इंडिया का मन वो जब फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था किस टाइटल के अंडर वो पब्लिश हुआ था वो आपको बताना है तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया है भारत भाग्यविदाता तो है इवनिंग सॉन्ग ऑफ इंडिया है या भाग्योदय है ठीक है तो आपको बताना है कौन से टाइटल फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था तो ये हुआ था भारत भाग्य विदाता रविंद्र नाथ टैगोर जी ने इसको मतलब कंपोज किया है लिखा है सो so, जो फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया गया था तो भारत भाग्य विदाता के टाइटल अंडर टाइटल ऑफ भारत भाग्य विदाता में पब्लिश किया था जनगण को नेशनल अंथम है जो इंडिया का तो बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर है भारत भाग्य विदाता ठीक है ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट मंथ इन इंडियाज नेशनल कैलेंडर इज कॉल्ड जो फर्स्ट मंथ होता है इंडिया के नेशनल कैलेंडर में उसको हम क्या बोलते हैं उसका क्या नाम है साका है भद्रा है कार्तिका है या चत्र है ठीक है सो चत्र इज द फर्स्ट मंथ इन इन इंडियाज नेशनल कैलेंडर ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है सो चत्र इज द फर्स्ट मंथ इन इंडियाज नेशनल कैलेंडर ऑप्शन डी नेक्स्ट है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया टेकन फ्रॉम जो इंडिया का नेशनल एम्बलम है ठीक है वो कहाँ से लिया गया है ए है अशोका की इंस्क्रिप्शन से बी है अशोकाज पिलर एड सारनाथ से सी है बोथ ए एंड बी से एंड डी है नन ऑफ दी अबब से ठीक है सो आपको पता होगा जो नेशनल एम्बलम है इंडिया का वो हमारा जो पिलर है एट सारनाथ वहाँ से हमारा लिया गया है तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा अशोकाज पिलर एट सारनाथ ठीक है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज़ टेकन फ्राम अशोकाज पिलर एट सारनाथ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच पार्ट ऑफ़ अशोकाज पिलर एट सारनाथ हैज़ बिन टेकन फॉर नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अशोकाज पिलर एट सारनाथ जो है ठीक है उसका कौन सा पार्ट है जो वो उसको एज नैशनल एम्बलम ऑफ इंडिया हमने लिया हुआ है ऑप्शन ए है आपका टॉप पार्ट बी है कम्प्लीट पिलर सी है सेंट्रल पार्ट एंड डी है बॉटम पोर्शन ठीक है सो आपको बताने कौन सा पार्ट है जो मतलब अशोका का जो पिलर है सारनाथ में उसको कौन सा पार्ट एम्बलम ऑफ इंडिया लिया गया है सो आपको पता होना चाहिए कि जो कम्प्लीट पिलर है अशोका पिलर सारनाथ में वो पूरा कंप्लीट पिलर उसको हम एज ए नेशनल एम्बिलम ऑफ इंडिया यूज़ करते हैं तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर रहेगा कंप्लीट पिलर ठीक है सो so, uh, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके जेके एस एस बी फोर्थ क्लास के एग्ज़ाम के लिए अगर uh, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड फॉर मोर सर्च क्वेश्चन सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए पी के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर आपको हमारी सारी पी मिल जाएंगी एंड और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं फोर्थ क्लास के एग्जाम के लिए आप हमारे प्ले में जाकर कर चेकआउट कर सकते हैं एंड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपके लिए लेके आऊँगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लें बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे थैंक यू सो मच गाइज